आर्नोल्ड क्लासिक 2018 के इवेंट के लिए तो आप सभी लोग काफी एक्साइटेड होंगे, और अगर नहीं है तो अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ा लीजिए, क्योंकि 2018 का आर्नोल्ड क्लासिक 2017 के मिस्टर ओलंपिया से भी ज्यादा बेटर होने वाला है। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसा क्यों होगा। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे कि 2018 का आर्नोल्ड क्लासिक 2017 के मिस्टर ओलंपिया से क्यों बेटर होगा, और इवन 2017 के आर्नोल्ड क्लासिक से तो काफी बेटर होगा। तो करीबन 4 महीने बचे आर्नोल्ड क्लासिक के इवेंट को होने में, और ऑस्ट्रेलिया में होता है ये इवेंट, और आज हम बात करेंगे कि क्यों ये ज़्यादा बेटर होगा इस साल। एक तो आप देखें कि अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 के आर्नोल्ड क्लासिक में कोई ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, यानी कि टॉप गाइज नहीं थे, मैं ये कहना चाहूँगा। लाइक सेड्रिक मैकमेलन थे, लेट डैलस मकार्वर थे, जो कि ऑब्वियसली कोई टॉप गाइज नहीं आते। टॉप गाइज में लाइक फिल हीथ, केविन लवरोनी, काय ग्रीन, बिग रैमी, डेक्स्टर जैक्सन, ये सब आते हैं, और इस साल ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ यही वजह थी कि इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक इवेंट जो था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया लोगों के बीच। बट 2018 का आर्नोल्ड क्लासिक काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 2018 में काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि है बिग रैमी, केविन लवरोनी, जहाँ तक कि काय ग्रीन भी कम्पीट करेंगे, सेड्रिक मैकमेलन, डेनिस वॉल्फ, और विलियम बोनैक का भी लग रहा है कि वो भी कम्पीट कर सकते हैं, और शॉन रोडन ने भी कम्पीट नहीं करा तो उनका भी चांस है काफ़ी हद तक कि वो भी कम्पीट करेंगे। और इस बार काफ़ी बढ़िया इवेंट होने वाला है, और जानेंगे कि 2018 का आर्नोल्ड क्लासिक कितना अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बिग रैमी की। बिग रैमी ने इस साल मिस्टर ओलंपिया में अपना लोहा मनवाया और लठ गाड़ के रख दिया। सीधा फोर्थ प्लेस से सेकंड प्लेस इन्होंने सिक्योर करा था इस साल के मिस्टर ओलंपिया में, और लगातार ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं वो, और उनका तो बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। और अगर आर्नोल्ड क्लासिक में आते हैं अगले साल 2018 में, जहां तक आएंगे ही वो, तो फर्स्ट प्लेस तो उन्हीं का बनता है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि वो लगातार बहुत सीरियस है, बहुत डिटर्मिंड बॉडी बिल्डर है, और लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। तो मेरे को लगता है अगर वो आते हैं अगले साल तो पक्का आर्नोल्ड क्लासिक विनर होंगे। काय ग्रीन भी कम नहीं है। काय ग्रीन क्या है कि उन्होंने लास्ट 2016 में कम्पीट करा था, और 2016 के आर्नोल्ड क्लासिक विनर भी थे वो। काय ग्रीन ने लगातार उसके बाद से कोई ऐसे कम्पटिशन्स को ज़्यादा लड़े नहीं है, लेकिन वो फिल्म्स वगैरह में अपने बिजी हैं, बट फिल्म्स में होने के बावजूद भी उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। तो काय ग्रीन बहुत टफ चैलेंज दे सकते हैं किसी को भी, और काय ग्रीन और बिग रैमी अगर एक साथ हमें देखने को मिल जाए स्टेज पर तो क्या कहना, क्योंकि काय ग्रीन और बिग रैमी जब इससे पहले हमें दिखाई देते थे तब बिग रैमी को टॉप गाइज में इतने नहीं आते थे, बट अब बिग रैमी एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो इस वजह से शायद बिग रैमी और काय ग्रीन को फेस टू फेस देखने में, हेड टू हेड देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो काय ग्रीन वर्सेस बिग रैमी देखने का एक अलग ही वो होगा। अब तो साथ में भाई डेनिस वॉल्फ भी आने वाले, जो कि लोगों के काफ़ी फेवरेट बॉडी बिल्डर है। तो डेनिस वॉल्फ का जो मुझे लगता है, सीरियसली मैं आपको बताऊं कि वो कमबैक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंजरी हो गई थी 2015 मिस्टर ओलंपिया के बाद, तो अब वो भी आ रहे हैं और अपनी फिजिक को बिल्डअप कर रहे हैं 2018 के आर्नोल्ड क्लासिक कॉम्पिटिशन के लिए, उनका ऑफिशियली अनाउंस है। तो उनकी जो फिजिक है, मुझे लगता है कि वो अपनी अगर 100% फिजिक में आते हैं, उसी फिजिक में, तो हो सकता है वो जीत जाए, क्योंकि वो इससे पहले भी आर्नोल्ड क्लासिक विनर रह चुके हैं 2014 के अंदर, बट ऐसा हो नहीं पाता है। हमने आज तक, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर कोई भी बॉडी बिल्डर जिसने कि कमबैक करा हो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, किसी भी मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में, उसकी फिजिक, उस बॉडी बिल्डर की फिजिक उतनी अच्छी हो ही नहीं पाई, वो अपने उस ओरिजिनल फिजिक में उतनी टॉप नॉच फिजिक जो उसकी प्राइम टाइम में हुआ करती थी, कोई भी बॉडी बिल्डर अचीव नहीं कर पाता। आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देख लीजिए, आप फ्रैंको कोलंबो को देख लीजिए, आप केविन लवरोनी को देख लीजिए, आप जे कटलर को देख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने की कमबैक करा, उनकी फिजिक वापस उस तरह की नहीं हो पाई जैसी वो पहले थे। तो डेनिस वॉल्फ का मुझे यही लगता है कि डेनिस वॉल्फ की फिजिक उतनी अच्छी शायद ना हो पाए, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को लगता है शायद इंजरी के बाद, कमबैक करने के बाद, उनकी फिजिक उतनी अच्छी ना हो पाए। बट मैं फिर भी ये चाहूंगा कि वो मेरी बात को रॉन्ग प्रूफ करे और एक नया एग्जाम्पल सेट करे कि कमबैक के बाद भी एक अच्छी फिजिक पाना, वैसी ही फिजिक पाना पॉसिबल है। तो हम उनसे एक पॉजिटिव उम्मीद लगाते हैं और देखते हैं कि वो अपनी बेस्ट फिजिक में आए। अब हम बात करते हैं केविन लवरोनी की। केविन लवरोनी एक बहुत ही बड़े लेजेंड है बॉडी बिल्डिंग के, और उनकी उम्र 53 साल हो चुकी है अब तक की, और मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट बॉडी बिल्डर है। बट मुझे लगता है कि केविन ने काफ़ी सारी गलतियां करी है अपनी लाइफ में कमबैक करने के बाद। कमबैक करना कोई गलती नहीं है, इसको मैं गलती नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, बट कमबैक करने के लिए सिर्फ 6 महीने अपने आप को देना, वो भी ओलंपिया के अंदर रिटर्न करने के लिए। ओलंपिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, और आप 6 महीने में कैसे सोच सकते हो कि आप आओगे, और क्लेम कर रहे थे केविन लवरोनी कि मैं नंबर 1 आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप बीट कर दोगे वर्ल्ड क्लास बेस्ट एथलीट्स को, जो कि फिलीथ है, बिग रैमी, और केविन ने चैलेंज करा था कि मैं, चैलेंज नहीं करा था उन्होंने, बट उन्होंने कहा था कि मैं हूँ मिस्टर ओलंपिया 2016 का विनर। शायद केविन ने ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था आजकल के बॉडी बिल्डर्स को, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही। तो वो एक काफ़ी, मेरे को लगता है कि बचकाना डिसीजन था कि 6 महीने की ट्रेनिंग पे आप दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स को बीट नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी स्टेज पर आप आ रहे हो, इन्विटेशनल बेसिस पे आ रहे हो, बट वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग करोगे और आप वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स को आप बीट कर दोगे। तो ये केविन की काफ़ी बड़ी गलती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 2017 के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं करा।
उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो वैंकूवर प्रो एक शो होता है जो कि जून के करीब, जून या जुलाई के करीब का शो था, उसमें भी उन्होंने अनाउंस करा था कि मैं उसमें कम्पीट करूंगा, बट उनके ब्रदर की क्योंकि डेथ हो गई थी उस वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाए थे। लेकिन केविन ने उसका प्राइम रीज़न दिया था कि वो अपने सप्लीमेंट्स को, अपनी सप्लीमेंट लाइनअप को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में लगे हुए थे और उनको ट्रेनिंग करने का उतना अच्छा टाइम नहीं मिला, इस वजह से वो उनकी वो फिजिक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वैंकूवर प्रो शो में कम्पीट नहीं करा। इसके बाद केविन ने कहा था कि शेरू क्लासिक में भी कम्पीट करेंगे जो कि अभी हुआ है हाल ही में सेप्टेम्बर के अंदर, तो उसका भी केविन ने अनाउंस कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि शायद वो अपनी सप्लीमेंट लाइनअप को प्रमोट करने के लिए कहीं और चले गए। तो केविन का बार बार ये देखा गया है कि वो लगातार कुछ ना कुछ अनाउंस कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ कम्पीट कर रहा हूँ, बट वो नहीं कर रहे। और अब तो केविन ने ऑफिशियली अनाउंस करा है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक 2018 में कम्पीट करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा उनका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा अभी सिंसियर हैं। हालांकि बहुत हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर है, जो कि वो बेंच प्रेस लगाते हैं ना 500 पाउंड्स के बेंच प्रेस कोई आम बात नहीं है इस उम्र में लगाना, लेकिन वो अपनी कंसिस्टेंसी शायद मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बार बार कहीं ना किसी टूर पर निकल जाते हैं। अभी इंडिया का उनका टूर काफ़ी लंबा टूर था, उनका 10-11 दिन का टूर रहा, अब वो रशिया जा रहे हैं, अभी आने वाले 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में वो रशिया में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो लगभग 14 दिन हो जाते हैं अगर आप 14-17 की डेट को काउंट करें, और 2 दिन आने जाने के मिला लीजिए तो 16 दिन आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप फिर कम्पीट करने के लिए अपनी कैसे ट्रेनिंग करेंगे? उनको बॉडी बिल्डर को टाइम पे डाइट चाहिए होती है, टाइम पे ट्रेनिंग चाहिए होती है, सब कुछ टाइम पे होता है, तो अगर आप इतना ज़्यादा टूर करते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे, तो फिर कैसे आप अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे? तो केविन का मुझे लग रहा है कि वो उतने सिंसियर नहीं हो पा रहे, शायद वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में ज़्यादा उनका ध्यान है, बाकी वो एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है और कम्पीट करना, कमबैक करना कोई कम बात नहीं है, तो उस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो उन्होंने कमबैक कराया इस उम्र में आके, वो कम्पीट करने की सोचते हैं और वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो ये कोई कम बात नहीं है। बाकी उनका मेरे को नहीं लगता सीरियसली अगर मैं कहूँ कि वो कोई अच्छी पोजीशन सिक्योर कर पाएंगे आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, शायद वो टॉप 5 भी ना कर पाए, और अगर करते हैं तो उसकी मेरे को बहुत खुशी होगी, और मैं तो चाहता हूँ कि वो 2018 का मिस्टर ओलंपिया भी जीते, ये मैं चाहता हूँ अंदर से, बट ये एक पर्सन पे, एक बॉडी बिल्डर पे डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस है। तो ये हो गई केविन लेब्रोनी की बात। डेनिस वॉल्फ का ये है कि वो सीरियसली ज़रूर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट उतनी अच्छी फिजिक नहीं आ पाती। उतनी अच्छी फिजिक क्यों नहीं आ पाती है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब जे कटलर 2011 में फिलीज से हारे थे और 2012 में वो नहीं आ पाए थे बाइसेप इंजरी के कारण, तो 2013 में उन्होंने कमबैक करा था, और तब जे कटलर कहते थे कि मैं अपने आपको जब मिरर में देखता था जिम के अंदर, तो मुझे लगता था मैं फर्स्ट आऊँगा 2013 में। और ऐसा होता है, कोई भी बॉडी बिल्डर जब कमबैक करता है तो उसको लगता है कि मैं अपनी शायद बेस्ट शेप में हूँ, जबकि जे कटलर तो लगातार कंसिस्टेंटली वो कम्पीट करे जा रहे थे, उसके बावजूद वो धोखा खा गए और उन्होंने कहा मैं फर्स्ट आऊँगा 2013 के मिस्टर ओलंपिया में। ऐसा लगता है, एक इल्यूजन सा आ जाता है, आदमी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ शीशे में देखने में जिम के अंदर, तो ऐसा नहीं हुआ। जे कटलर की 6th पोजीशन आई। केविन लेब्रोनी ने अपनी कुछ पिक्स डाली थी 2016 से पहले, अपनी ट्रेनिंग वीडियो डाली थी, उसमें केविन को लग रहा था कि वो फर्स्ट आएंगे, क्योंकि जिम में जब आप देखते हैं अपने आप को खड़ा हुआ एकदम बढ़िया एकदम नज़र आते हैं, आपको लगता है कि आप ही विनर होंगे, पर रियलाइज़ तब हुआ केविन को जब उन्होंने पंप अप रूम में बैक स्टेज में 2016 के अंदर दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देखा, तब उन्हें लगा कि भाई मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है इस चीज़ का। तो ये गलती होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमबैक के बाद कोई भी बॉडी बिल्डर अपनी उस फिजिक में नहीं आ पाता है, थोड़ा उसको 1-2 साल और लग जाते। तो डेनिस वॉल्फ का इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको लगेगा कि उनकी बहुत अच्छी फिजिक उन्होंने अचीव कर लिया, वो रेडी है, बट वो इतनी अच्छी फिजिक शायद इसी कारण ना ला पाएँ। बाकी केविन लेब्रोनी का मैंने आपको बताया कि वो बार बार लगातार बाहर टूर्स वगैरह करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, 57 कंट्रीज़ में वो अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं केविन, तो उनका मुझे नहीं लगता वो इतनी अच्छी प्लेस ला पाएंगे। कायग्रीन हालांकि मेंटेन्ड है उनकी फिजिक, कायग्रीन ला सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं कायग्रीन अगर वो कम्पीट करते हैं तो। और सेड्रिक का देखने वाली बात है कि सेड्रिक क्या करते हैं, इस साल तो उन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा जबकि वो आर्नोल्ड क्लासिक विनर थे तब भी, बट अगले साल का उनका देखते हैं। बिग रैमी सबका मुंह बंद करने की ताकत रखते हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं के मेरे को लगते हैं फर्स्ट प्लेस सिक्योर करने के। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छे हैं अगले साल के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, और अगर ये सब बॉडी बिल्डर्स अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में आ जाएं तो फिर सोचिए हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं 2018 के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को बताइए, और अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तभी करें अगर आपको मेरी वीडियो सही में पसंद आती हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, फिर मिलते हैं एक बार नई वीडियो के साथ में अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।